आज हम पोहा बनाएंगे, बिल्कुल खिला खिला, बहुत अच्छा। अगर आपका पोहा बनाते टाइम समय जो है अच्छा खिला खिला नहीं बनता, तो उससे बचने के लिए हम लोग ये करेंगे कि हम लोग स्ट्रेनर में डायरेक्ट पोहा डाल के उसको वॉश कर लेंगे, अच्छी तरह से वॉश करेंगे उसको, जिससे कि उसकी सारी गंदगी बाहर निकल जाए। और वॉश करके उसको थोड़ी देर के लिए 5 मिनट रखते हैं। पोहा इतना देर हम बोलेंगे, फिर इस तरह से इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा पोहा तैयार है। ये देखिए, एकदम ड्राई हो गया है, ये फूल के तैयार है। बस अब ट्रिक ये है कि इस हम लोग पैन में मसाला नहीं डालेंगे, हम लोग इस पोहे में ही पहले मिक्स कर देंगे मसाला। हल्दी, मिर्ची और सॉल्ट स्वादानुसार, जैसा आप पसंद करते हो। धनिया, अब इसको मिक्स कर लें। मूंगफली में पीनट्स मैं ऑलरेडी रोस्ट करके रखती हूँ कुक करने से पहले। थोड़ा सा पीनट हम पैन में डाल के इसको गरम कर लेंगे फ्राई। पीनट गरम हो गया है, इसको एक साइड में हम लोग निकाल लेंगे। इसमें राई डालेंगे, थोड़ा सा करी पत्ता और ये अनियन, ये हरी मिर्च, ये भी इसी में जाएगी। और इसको हम इस तरह से चलाएंगे। इसमें हमें मसाला नहीं डालना बिकॉज हमने पहले ही पोहे में मिक्स कर दिया सब। अब हम इसको थोड़ा सा सॉटे करना है, उसके बाद ये पोहा जो हमने पहले से तैयार कर रखा था ये हम इसमें पैन में डाल देंगे। और फिर इसको मिक्स करेंगे। इस ट्रिक से हमारा पोहा खिला खिला एकदम बढ़िया बनता है। ये पोहा बच्चे बहुत पसंद करते हैं खाने के लिए, आप आराम से इसको बना पाएंगे। ये 1 मिनट हमने चलाया, फिर उसके बाद गैस हमने कर दिया बंद और इसको हमने थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया। पैन को बंद करके और गैस बंद कर देंगे और 2 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, उसके बाद खोल के देखेंगे हम लोग। अब हम इसे पैन को खोलते हैं। देखिए हमारा पोहा बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। अब हम इसे अपनी सर्विंग प्लेट में डालेंगे। लग रहा है ना डिलीशियस, एकदम बहुत टेस्टी। आप भी इसी तरह से बनाइए और एंजॉय कीजिए। ये है टेस्टी पोहा। आज हम इसे बनाने की रेसिपी देखेंगे।